ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये झंडा 5 रंग का है, ये वाला ये झंडा यहाँ ऊपर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, ये देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद व्लॉग में, और मैं हूँ इस वक्त में जयपुर में, और जयपुर में भी मैं आपको घुमाने वाला हूँ अब जयगढ़ का किला। देखिएगा ये मेरे सामने, ये यहाँ से इसकी एंट्री है, सामने आप देख रहे हैं वहाँ से हम टिकट लेंगे, वहाँ से टिकट लेके हम अंदर चलते हैं। आपको मैं बता दूं, जयगढ़ किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला गेट जहां से मैंने एंट्री की, ये डूंगर दरवाज़ा है और ये गणेश पोल है ये वाला, और इसके 3 दरवाजे हैं। अगर कोई हमला करेगा तो पहला गेट ये वाला तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा फिर उसको ये तोड़ना पड़ेगा, और तीसरा अंदर गेट है उसका कोई नाम नहीं है, जहाँ से हम लोग अब एंट्री अंदर करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग तीसरा गेट इसका ये वाला है, ये एंट्रेंस गाड़ी वाला है, अभी हम लोग जो चलेंगे वो इस रास्ते से चलेंगे अंदर। यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, हम ऊपर चल रहे हैं, और अभी हम जो विजिट कराने वाले हैं आपको, मौत के कुएं की विजिट कराने वाले हैं। देखें, अरे बाप रे, हम तो गिर जाते अभी। ये आप देख सकते हैं जयगढ़ किले के अंदर मौत का कुआं, ये देखेगा ये है मौत का कुआं। फिलहाल तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं झंडा, वो जो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस टाइम ये जो है, और जो ऊपर इसके छोटा झंडा दिखाई दे रहा है आपको, अगर राजा यहाँ जयपुर के अंदर प्रेजेंट में हैं तो वो झंडा उस पर रहेगा, अगर राजा जयपुर के बाहर गए हुए हैं तो उस झंडे को उतार दिया जाएगा। ये 300 साल पुराना नियम है इनका, जो इसको आज भी फॉलो कर रहे हैं ये लोग। अभी जो मैं आपको बता दूँ, ये जो किला है जयगढ़ का किला, ये जयपुर और आमेर का सबसे पहला किला है। इसकी नींव रखी गई थी 1036 ईस्वी में, और उन जो जिस राजा ने इसका नींव रखा था उनका नाम था काकिल देव, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। 27वें राजा सवाई जयसिंह, जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है 1720 में, इसको सवाई जयसिंह ने कंप्लीट कराया था। और यहाँ से आप क्लियर ये झंडा देख सकते हैं, ये थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये 5 रंग का झंडा होता है। अगर हमारे देश का फ्लैग 3 रंग का है, लेकिन इसमें 5 रंग है, क्योंकि ये इनका अपना पर्सनल झंडा है। ये जो लोकेशन देख रहे हैं ना आप मेरे नीचे, ये वाली, ये आपने देखा होगा खुदा वगावा फिल्म में अमिताभ बच्चन को काबुल की जेल में बंद किया जाता है, और ये काबुल की जेल बनाई गई थी। यहाँ पे आपको मैं अभी सीन मैच करा दूंगा, उसमें पत्थर तोड़ते हुए आपने देखा होगा उन लोगों को, ये वही जगह है यहाँ पर जयगढ़ किले के अंदर। और ये जो ये जो रास्ता है ना, ये खुदा गवाह फिल्म में गाना है तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, वो इसी रास्ते पे शूट किया गया है। ये वही रास्ता है जिसमें श्रीदेवी का सीन है, वो इसी रास्ते का है। अभी जो मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं विजिट करने वाला हूं, इस किले का जो मेन पॉइंट है, जयगढ़ किले का जो मेन पॉइंट है, वो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो वहाँ, ये वाली छतरी जो है, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, उसकी अभी हम विजिट करने वाले हैं। ऊपर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं उसके बारे में। अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं ऊपर, ये इसका यहाँ से रास्ता है, ये जो रास्ता है ये रास्ता है गाड़ियों का, ये वाला, यहाँ से ऐसे आगे, ये आप देख रहे हैं सामने ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ गाड़ी से आते हैं कैनन के पास, लास्ट पॉइंट है ये तोप के पास में लास्ट पॉइंट है, जो यहाँ आके गाड़ी रुकती है ये। अभी जो मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप दिखवाने वाला हूँ, ये देखिएगा, ये जो तोप है जिसका नाम है जयवान तोप, इसको 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बनवाया था, ये देखिएगा, ये है वो तोप। इस तोप को जी, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिस तोप को राजा जयसिंह ने 1720 में नीचे बनवा के यहाँ तक इसके अलग अलग पार्ट लाए गए थे एलिफेंट्स के द्वारा। अच्छा, हाथियों के द्वारा अलग अलग पार्ट में लाके असेंबल यहीं पे किया गया था, और असेंबल होने के बाद इसी जगह और इसी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में तोप रखी हुई है जी जी, इस डायरेक्शन से इस तोप को मात्र एक दफे यूज में लिया, वो भी टेस्ट फायर, दोबारा कभी यूज में नहीं आई, बस ये एक ही बार यूज में आई है, टेस्ट किया गया, बस टेस्ट किया गया। और चलाने के लिए इस तोप को 100 किलो बारूद और 50 किलो का लोहे का गोला चाहिए।
100 किलो बारूद और 50 किलो लोहे का गोला, लोहे का गोला। स्कोप की जो रेंज है वो है 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इसमें ऊपर वाला है जो बिना पेंट वाला पार्ट है जी, ये इसका ओरिजिनल पार्ट है जो 300 साल पुराना पार्ट है। अच्छा, जो ये बिना पेंट वाला पार्ट है ये 300 साल पुराना पार्ट है। इसमें 8 मेटल्स है, 8 धातु है, 8 धातु है इसमें। इसका लेंथ है 20 फीट और इसका वेट है 50,000 kg, 50,000 किलो 50,000 किलो है। और ये 20 फुट लंबी है, 20 फुट लंबी है। लेकिन जो नीचे आयरन वाला पार्ट देख रहे हो ना, जी जी जी, ये उस टाइम का नहीं है ये वाला जी, क्योंकि उस जमाने में तो ये बोल्ट वाला जो सिस्टम है प्रेजेंट टाइम में ये होते नहीं थे जी जी। उस जी टाइम जी पे इसके अंदर लकड़ी ऊपर लोहा था, तो कहते हैं जब इसको कैनन को टेस्ट वायर के लिए चलाया गया वो गाड़ी उसी समय डैमेज हो गई थी, वो गाड़ी डैमेज हो गई थी जब इसको टेस्ट के लिए चलाया गया था। तो ये जो नीचे गाड़ी है इसके पेंट वाला पार्ट है जी जी, ये राजा राम सिंह जी के द्वारा 1835-80 के बीच में बनाया गया है। तो ये टोटल आयरन का इसीलिए पेंट होता है ताकि जंग बगन ना हो। अच्छा, तो गाड़ी का वेट है 200 टन, गाड़ी का 200 टन है और उसका 50 टन वेट उसका है। टोटल इसका लेंथ है 35 फीट और इसका टोटल वेट है 250 टन। टोटल वेट इसका अगर हम माने तो 250 टन हो गया टोटल वेट इसका। लेकिन इसको अगर कभी भी राउंड वगैरह करना हो ना जी जी, तो इसमें देखो हुक बने हुए हैं। अच्छा, वो पीछे दो आगे हैं, दो पीछे हैं, ये हाथियों के लिए होते थे, ये हुक इसमें हाथियों के लिए होते थे, हाथियों के द्वारा ही इसको राउंड किया जाता था। लेकिन उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एक ही बार चली है, इसका टेस्ट के तौर पे चलाई गई है। बस जो देखते हो बैरल के नीचे बना हुआ है इसका एक जी जी जी, इसका जैक सिस्टम ताकि स्कोप की रेंज को कम बढ़ती किया जा सके, कम बढ़ती किया जा सके इसकी रेंज को। तो इसके जो मेन पॉइंट पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं मेरे सामने ये चीज़, ये एक उस समय 300 साल पहले ये एक नहर बनाई गई थी, नदी टाइप बनाई गई थी। सामने जितनी भी पहाड़ी है ये 5 किलोमीटर एरिया का पहाड़ी जो है, इसमें जितना बरसात का पानी होता था वो सब इस नहर के द्वारा महल के अंदर आता था, क्योंकि महल के अंदर 3 टैंक बने हुए थे, एक पानी पीने का, एक नहाने का और एक जानवरों को पानी पिलाने का। तो वो तीनों का स्टोर जो होता था वो इसी नहर के द्वारा होता था। और ये देखिएगा, ये यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरीके से है टॉप का, ये देखिएगा। अभी जो हम चल रहे हैं वो जो मैंने आपको अभी दिखाई है नहर से, उस नदी से 300 साल पहले वो बनाई गई थी नदी, उसमें पानी जो आता था। अभी मैं पहले आपको दिखा जहाँ खुदा गवाह की शूटिंग हुई है, वो तो था जानवरों को पानी पिलाने का, और अभी जो हम टैंक देखने वाले हैं वो सैनिकों को नहाना और पानी पीने वाला टैंक अभी देखने वाले हैं हम लोग। और ये देखो, एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये किले के अंदर ये जो देख रहे हैं सुरक्षा के लिए ये हॉल, इस हॉल से थोड़ी कम रेंज का देखा जाता था और दूर का देखने के लिए इस वाले हॉल का यूज़ किया जाता था, और पास का देखने के लिए इस वाले हॉल का यूज़ किया जाता था। इस तरीके के हॉल इसमें पूरे महल में 5,000 हॉल हैं, ये देखिएगा आप, ये इस तरीके से। ये अभी हम लोग चलते हैं आगे, ये आप देख सकते हैं ये जो है इसमें पूरा किला जो है ये सेना के लिए बनाया गया था। अच्छा, जो ये आमेर किला है उसकी जो सुरक्षा के लिए यहाँ जो सैनिक थे वो सब यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे उनके इसमें लिए रहने के। और कभी आमेर किले पे कोई दिक्कत आए तो वहाँ से सुरंग है जो यहाँ आती है, वो राजा को उस सुरंग से लेके यहाँ आ जाते थे। इसमें राजाओं के लिए, सोल्जर्स के लिए सारी सुविधा आती, रहने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब सुविधा इसमें थी। यहाँ पे सारे हथियार वगैरह सब यहीं होते थे। ये आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देखते हैं। आप वहाँ से उतर के आ गए हैं, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी तोप वहीं पे रखी हुई है, ये देखिएगा। कुछ लोग बताते हैं उसको एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये वाला टैंक तो था जानवरों को पानी पीने का, जो खुदा गवाह फिल्म में जो काबुल की जेल बनाई गई थी वो यहीं दिखाई गई है, जो अमिताभ इसमें पत्थर तोड़ते हैं। अभी जो मैं आपको दिखाया था पीछे वो नहर, वो यहाँ आके ओपन होती है, ये यहाँ से ये सीधी होके वो सामने आप देख रहे हैं वो टैंक है, ये टैंक है यहाँ पे, और ये पूरा कवर्ड हुआ हुआ है। ये उस जमाने का सबसे बड़ा वाटर स्टोर करने का टैंक है। इसका लेंथ है 138 फीट और 158 फीट, 138 फीट चौड़ाई, 158 फीट की लंबाई, 138 फीट चौड़ाई और 158 फीट इसकी लंबाई है। और इसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है, कितना पानी, 60 लाख गैलन है, 60 लाख गैलन यानी कितने लीटर पानी, इसमें 3 करोड़ लीटर, 3 करोड़ लीटर पानी इसके अंदर आ जाएगा इस टैंक के अंदर। आप देख रहे हैं ये भरने के बाद इस टैंक से 10,000 सैनिक 2 साल तक पानी पी सकते हैं। एक बार भरने के बाद 2 साल तक 10,000 सैनिक पानी का यूज कर सकते हैं, नहा सकते हैं और पी सकते हैं। नहाने का पार्ट अलग, ओनली पीने वाला, ये ओनली पीने वाला पानी का पार्ट है। अभी हम नहाने का पार्ट अलग से देखेंगे। तो उस जमाने में लैंटर वगैरह नहीं थे ना। ये जो आप देख रहे हैं सामने,
ये तो पानी पीने का जो मैंने आपको उधर से बताया, और इसके बराबर में फिर एक ये और निकल रहा है ये वाला रास्ता। इस रास्ते से पानी आता था यहाँ सामने वाले टैंक में, नहाने का यूज़ किया जाता था इसमें, ये वाला। ये देखिएगा यहाँ से, ये आपको मैं बता दूं, यहाँ जो इंदिरा गांधी ने खजाने की तलाश करवाई थी वो इसी टैंक के नीचे 9 कमरों का एक अलग से बना हुआ है, जिसको इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने यहाँ इसको खजाने की तलाश करवाई थी। अब ये तो पक्का कथा नहीं कि यहाँ खजाना मिला या नहीं मिला, ये अभी कोई तथ्य है नहीं इस चीज़ का, लेकिन जो खजाने की तलाश करवाई थी जयगढ़ फोर्ट के अंदर, वो इसी टैंक के अंदर, इसमें पानी होता है 40 फीट के नीचे 9 कमरे हैं, और वहाँ उसमें खजाने की तलाश इंदिरा गांधी ने उस समय करवाई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला टैंक मैंने आपको दिखाया, ये टैंक था सेना के नहाने के लिए, और ये वाला टैंक है पानी पीने के लिए, और इसी के बराबर में एक ये है, ये टैंक इस किले का सबसे गहरा टैंक है ये, इसकी फिट गहराई है 52 फीट गहराई, और इसमें जो 9 कमरे हैं इसके अंदर। और मैं आपको बता दूँ, इसमें राजा मानसिंह अपना डेली यूज का पैसा इसमें रखते थे, और जो राजा जयसिंह हैं जिन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया है, वो इसी पैसे से उन्होंने जयपुर शहर बसाया था, इसी पैसे से जो डेली यूज का पैसा इसमें होता था इस टैंक के अंदर। इसकी गहराई जो है वो 52 फीट है, और इसका उतरने का रास्ता वहाँ से है। और टैंक मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, ये पानी का टैंक, इसके बारे में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं पूरा, ये देख सकते हैं यहाँ से पूरी नॉलेज इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सामने देखिएगा, ये इसका रास्ता था, उस समय पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का यूज़ किया जाता था, अब तो ये पाइप वगैरह इसमें लगे हुए हैं, पानी आज भी यहाँ पीने का यूज़ किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से वो सामने नज़र आ रहा है, ये जो नज़र आ रहा है ये पानी की परछाई नज़र आ रही है, पानी इसमें आज भी है और आज भी यूज़ किया जाता है इसका पानी। 40 फीट गहराई तक इसमें पानी था, और उसके नीचे इसमें खजाना था। ये इधर आप देख सकते हैं, ये तो रेस्टोरेंट है, आप किले के अंदर आएँ तो कुछ खाने पीने का हो तो वो यहाँ आप खा पी सकते हैं आराम से। और इधर ये मार्केट है इस किले के अंदर ही, जो किले के सामान वगैरह यहाँ मिलते हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई साहब, ये सैनिकों का हथियारों का कलेक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर राजा महाराजा का कलेक्शन देखना है तो आप सिटी पैलेस जा सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर घोड़े बांधने के लिए अस्तबल होता था, यहाँ से लेके और वहाँ लास्ट तक, ये राजाओं के घोड़े बांधने के लिए। इसमें आप लोगों को 200 साल पुरानी पिस्टल देखने को मिलती है, ये 200 साल पुरानी पिस्टल है, ये देखिएगा ये वाला गोला, वो जैवान तोप का गोला, 50 किलो का गोला ये आज भी यहाँ रखा हुआ है। एक तो उस समय का फूट गया था, वो चल गए, दो बनाए गए थे और एक दोबारा चला नहीं, जो आज भी यहाँ ये रखा हुआ है। बाकी जो छोटे छोटे गोले हैं ये मैं इधर आपको दिखा चुका हूँ, वो तोप इधर जो रखी हैं सब छोटी छोटी, वो उनके गोले यहाँ आज भी रखे हुए हैं। ये देखिएगा, बस सबसे बड़ा गोला यही है उस जैवान तोप का, 50 किलो का गोला। दोस्तों ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये है आमेर का किला। यहाँ हम दोपहर में घूम के आए हैं और अभी हम हैं जयगढ़ का किला। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सामने, ये जो रास्ता है ये वाला, ये वहाँ से रास्ता आ रहा है सीधा जयगढ़ फोर्ट के लिए, इसको सुरंग वाला रास्ता बोलते हैं। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग दूसरी साइड को घूम के आए हैं तो लगभग 13 से 14 किलोमीटर पड़ा है ये रास्ता यहाँ पर। ये देखिएगा,